हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के लिए जो है मैं श्रृंगार कर रही थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। तो राधा रानी का श्रृंगार मैं कर चुकी हूँ, आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को शायद शेयर कर दूँगी। बोलेंगे इसलिए क्योंकि मेरे को अजीब लगता है कि मैं अपनी हर चीज़ शेयर करूँ और आप लोग बोले ही ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने कन्हैया जी का श्रृंगार करने जा रही हूँ। आज थोड़ा सा डिफरेंट श्रृंगार करूँगी, हो सकता कि मैंने चोली ना पहनाऊँ। मतलब जिस प्रॉपर रूप में ये रहते थे वो प्रॉपर रूप दूँ मैं इन्हें, इसका कोशिश करूँगी प्रॉपर रूप को। मतलब क्योंकि कन्हैया जी कहाँ चोली वोली पहनते थे, वो तो बढ़िया अपनी बांसुरी लेते थे और प्लान किया करते थे कि आज किसकी मटकी चटका दें। तो बस आज मैंने उसी रूप में तैयार करने जा रही हूँ। राधा रानी को मैंने एकदम दुल्हन के रूप में तैयार किया है। जैसी जब कन्हैया जी से पहली बार मिली होंगी, कोशिश की है वैसे रूप तैयार करने की। वो तो जैसे फ्रेंड्स मैंने कहा ना आपसे, मैं हर वीडियो में बात बोलती हूँ कि टोटली इन पर डिपेंड करता है कि ये कैसे तैयार होना चाहते हैं। हम और आप कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, इनकी मर्ज़ी के आगे, और मैं इनकी मर्ज़ी के आगे जाना भी नहीं चाहती, अगेंस्ट नहीं जाना चाहती। ये जैसे तैयार होना चाहें वैसे हों, जो इन्हें पहनना हो वो पहने, बस एक बार मुझसे कह दें दुनिया जहाँ की, मैं कोशिश करूँगी कि इन्हें हर चीज़ ला के दूँ जो इन्हें चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम शेयर करते हैं। आप तब तक ना इसमें वो डाल दीजिए धागा इनकी कमरबंद में। तो फ्रेंड्स अब मैं इन्हें जो है, तब तक जब तक हस्बैंड अपना काम करते हैं तब तक हम अपना काम करते हैं, 2 मिनट में डाल देंगे ये धागा। तब तक मैं इन्हें जो है वो लॉन्ग हार पहनाती हूँ। इन्हें भी मैं लॉन्ग हार पहले ही पहना दूँगी। और फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इन्हें आज ना बाजूबंद पहनाए हैं, वो भी 2-2, क्योंकि ये हस्बैंड की फरमाइश थी। हस्बैंड कह रहे थे ये क्या तुम एक बाजूबंद पहनाती हो, भगवान जी के 2 बाजूबंद पहनाने चाहिए, उनके दोनों हाथों में बाजूबंद होना चाहिए। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो आज मैंने इन्हें जो है वो 2 बाजूबंद पहना दिए। तो फ्रेंड्स मैंने, आपने देखा मैंने इन्हें लॉन्ग हार पहना दिया। तो फ्रेंड्स सेम हार मैंने पहना रही हूँ जैसे हमने अपनी राधा प्यारी जी को पहनाया है जी, वही मैंने सेम पहनाऊंगी। क्योंकि इनके ऊपर, उनके ऊपर अगर अलग अलग पहना देती हूँ ना फ्रेंड्स, तो पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे मन को नहीं भाता, क्या हो जाता है दोनों। और जब मैं ख़रीदने जाती हूँ तो दोनों के लिए सेम ही चीज़ खरीदती हूँ, अलग अलग खरीद ही नहीं पाती हूँ, अच्छा ही नहीं लगता, तो इस वजह से शायद ऐसा है। और ये इनको मैं कमरबंद पहना दूँगी जी। और जैसे कि अच्छा अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी सॉरी। श्री चेतन थोड़ा सा ढीला माने कमरबंद, छोड़ो बताओ ना आगे कैसा है, थोड़ा ढीला रहने दें, टाइट रहने दें, क्या करें बताएं। ठीक है, विग्रह पकड़े, विग्रह पकड़े, बस इतना बड़ा धागा डाला आपने, इसमें तो राधा रानी भी बंध जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये हमने ने कमरबंद पहना दिया, ये एक हार शॉर्ट पहनाया, एक लॉन्ग हार मैंने आज अंदर से पहली बार इन्हें हार पहनाया है। वो इसलिए क्योंकि मैं इन्हें माला पहनाना चाहती, इन्होंने चोली नहीं पहनी थी। और इनका ये जो हार है ना शॉर्ट, ये बड़ा घना सा था, घने से का मतलब हैवी था। तो हैवी था इसलिए मैंने सोचा कि इनको जो है आज हम माला भी पहनाएंगे। कैसी लग रही है माला, अच्छी लग रही है ना। तो फ्रेंड्स लगभग लगभग ये तैयार हो गए हैं, थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो वो भी हम पूरी कर देते हैं, कोई बात नहीं। इन्हें यही कंगन पहना है, लाल वाले कंगन इन पर ज़्यादा खुल रहे हैं क्या, देखते हैं। फिर राधा जी के भी चेंज कर दूँगी मैं, राधा जी ने तो इतना सामान पहन रखा है ना, उनके कंगन दिख ही नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इन्हें यही कंगन पहना रही हूँ, मे बी कि ये अच्छे लगें।
लुक तो रहे हैं अच्छे। तो फ्रेंड्स मैंने ना ये रेड कंगन ही पहनाए हैं जो कि इन पे बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं जी। अब क्या रह गया, सब हो गया बाल। अच्छा बाल है फ्रेंड्स, इनको सब पता है, मुझे उम्मीद है कि कभी नज़र पट्टू लगाइए, नज़र पट्टू भी लगना है। ओह इन्हें किन की नज़र लगेगी, आपको लगता है इन्हें किसी की नज़र लगेगी? किसकी लगेगी, मेरी या आपकी? तिलक देख लूँ थोड़ा सा जी। तो फ्रेंड्स हस्बैंड अब इतना तैयार हो गए हैं, इतना प्रिपेयर हैं लाइफ में राधा कृष्ण जी के श्रृंगार को लेके कि कभी ऐसा हुआ कि मैं ना रहूं तो आप श्रृंगार कर लेंगे, कर लेंगे ना। तो देखा फ्रेंड्स कि कभी ऐसा हुआ कि जो माया भरा जीवन है अगर इससे कभी मुक्ति मिल गई और हस्बैंड रहे तो ये श्रृंगार अकेले कर लेंगे, इन्हें जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आश्वासन नहीं दिया आपने मुझे। फ्रेंड्स हस्बैंड इमोशनल हो गए हैं इसलिए कुछ बोले नहीं, मुझे लगा ऐसा। तो ये मैंने अंगूठी पहना दी, अब बस हो गया, कान में रह गया इनके, परेशान हो जाएंगे कन्हैया जी आपसे। सोच रही हूँ कुछ एक जैसा मिल जाए। इस डब्बी की यही चीज़ है, एक बिंदी निकालते हैं दो निकल आते हैं, ये पहनाएंगे आज क्योंकि राधा रानी जी ने ना एकदम अलग पहने हुए हैं, वो लंबे लंबे पहनी हुई हैं, दिख रहे हैं ना फूल टाइप के हैं। मेरा रंग लावे का हो, कैसे लग रहे हैं? बाल टोपी नहीं लगाते ही पगड़ी। मेरी कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुतुम कली, ऐसा स्वरूप है फ्रेंड्स इनका कि पगड़ी कौन सी लगाएं आप बताइएगा, मैं दो तीन लगा के दिखा देती हूँ। देखिए एक पगड़ी तो ये है, ठीक है, जो कि इनकी ड्रेस से लगभग लगभग मैच कर रही है, और लगभग क्या पूरी मैच कर रही है, तो ऐसी मल्टी कलर में थी। एक ये रेड गोल्डन है, ये भी है, और ये लगाने में मुझे थोड़ा सा अलग लग रही है क्योंकि ये लड्डू गोपाल की पगड़ी है। तो फ्रेंड्स आप लोग सब लोग बोलते हैं कि दीदी आपने इन्हें मोरपंखी नहीं लगाई, इनकी पगड़ी में मोरपंखी नहीं लगाई, तो एक कारण है। अभी मैं मोरपंखी ने क्यों नहीं लगा रही फ्रेंड्स, इसलिए नहीं लगा रही कि मैं जन्माष्टमी में वो मोरपंखी लेने गई थी, सारी मोरपंखी कटी हुई हैं। कहने का मतलब जो इन्हें मोरपंखी लगाते हैं ऊपर से कटी ना हो, वो मोरपंखी ऊपर से कटी हुई मोरपंखी ने नहीं लगाई जाती है, वो खंडित हो जाती है। साबुत जो है वो मोरपंखी ने लगाई जाती है, तो साबुत मोरपंखी भी मेरे पास है नहीं। मैं शॉप वाले भैया के पास गई थी तो उनके पास भी नहीं थी, उन्होंने कहा था कि मैडम आने वाली है, जैसी आ जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप ले लीजिएगा। तो जैसी वो आएगी ना फ्रेंड्स तो मैं ले लूँगी, फिर मैंने वो मोरपंखी ज़रूर से लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स कन्हैया जी कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या रह गया इनका, मेन चीज़ तो रह गई, सब पहना दिया मैंने, पटका। अब क्या करूं फ्रेंड्स, देखा ऐसा आजकल ना दिमाग कुछ अजीब ही गायब हो गया, अभी कमी रह, ये हर बार हो जाता है। और नहीं क्यों, क्या करना है बाल निकाल के। फ्रेंड्स थोड़ा सा सॉरी गड़बड़ हो गया क्योंकि मैं इन्हें जो है वो पटका देना, आप लोग भी तो नहीं बताते कि जल्दी से बता दें दीदी भूल रही हैं। तो मैं देखो मैं गलती करती हूँ, सब पर चिल्लाती बेचारे कैसे बताएंगे, लोग तो सब वीडियो देखेंगे तब बताएंगे, लेकिन पकड़ सब लोग लेते हैं तुरंत से। एक बार मैंने और पटका, मैंने पटका रख के पूछा नहीं, पूछा मैंने कि बताइए क्या क्या रह गया, क्या क्या नहीं पहनाया, तो मेरी एक बहुत ही प्यारी से रह गया, दीदी आपने पटका नहीं पहनाया।
उनको पता चल गया तो मैं बड़ा हंस रही थी। और हमारे YouTube के परिवार में बहुत ही प्यारे प्यारे जो हैं वो कन्हैया जी हैं, ये वाले कन्हैया जी नहीं और भी कई प्रकार के एक हमारी यूट्यूबर हैं जो कि इस समय दिल्ली में हैं। उनके दो एक बेटा है उनका, धैर्य नाम है शायद उसका, मैं नाम भूल जाती हूँ क्योंकि मैं उसे अक्सर बाबू करके बुलाती हूँ, यही नाम मैंने दिया है। बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही नटखट सा है। और एक और मेरी बहुत ही प्यारी यूट्यूब वो सब्सक्राइबर हैं, उनके बेटे का नाम अंश है, वो भी बड़ा प्यारा कन्हैया जैसा लगता है एकदम। और दोनों ही बच्चे बड़े प्यारे हैं, दोनों बच्चे मुझे मासी मासी कहते हैं। तो रिश्ते बहुत मिले हैं मुझे इस चैनल से। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही समझदार, सुलझी हुई, और मतलब जितनी तारीफ करूं उतना कम है। या ये कहिए कि लोग जब सोच भी बड़ी होती है लोगों की, तो कैसे लग रहे हैं आप? अच्छा, कान के पीछे कर दें, अब सही है। अच्छा, ये पगड़ी इनकी फिटिंग की आई है तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे अति सुंदर हमारे कन्हैया जी का। आज पहली बार सुना है मैंने ऐसा कि मेरा हाथ, मतलब अपना हाथ लगाए बिना इन्होंने ये बात कही अति सुंदर। नहीं तो ये अपना हाथ लगा लेते हैं, जब अपने से कुछ मैनेज कर लेते हैं तब बोलते हैं अति सुंदर। फिर भी देखें कमी रह गई। तो बहुत ही प्यारी हैं हमारी एक सब्सक्राइबर जो कि विदेश से हैं, USA से हैं, और उनके बेटे का मैसेज आया था एक दिन, तो मेरे को बोले थे हेलो मौसी। अब इतनी शर्मा गई बेचारी, इसके आगे बोल ही नहीं पाई। तो बेटा अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आपको ढेर सारा हेलो मौसी जी की तरफ से। और कैसी हैं आप कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारे कन्हैया जी की बांसुरी। कैसे लगे आपको कन्हैया जी, कैसा लगा इनका श्रृंगार, और कैसी लगी आपको इनकी ये मूरत? मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। राधा रानी को लग रहा है लगभग लगभग टक्कर दे रहे हैं। मुश्किल ही है वैसे, राधा रानी तो राधा रानी है, इनके बस का नहीं है, क्योंकि ये राधा रानी के सामने जाने के बाद जो नम्र हो जाते हैं ना, वो हम सब जानते हैं। इनकी चल नहीं पाती राधा रानी के सामने। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं जो बोलते हैं कि सेवा श्रृंगार करती तो श्रृंगार ही कर दिया करिए, बोलिएगा मत, बोला मत करिए, ज़्यादा बोलती हैं आप, श्रृंगार कर दिया करिए सिर्फ। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि मौन होके काम नहीं किया जाता है, प्रभु का काम। और कन्हैया जी ने या किसी और भगवान ने कभी किसी सीमा में हम लोगों को प्रेम को नहीं बांधा। एक यही तो है जिन्होंने प्रेम में हम लोगों को आज़ादी दी है, प्रेम में बांधा नहीं है। जैसे सब लोग अपना अपने प्रेम में बांध लेते हैं ना, एक अजीब सा अधिकार रख देते हैं, उस अधिकार में कभी कभी घुटन होने लगती है। मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ, मेरे पति ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। घुटन जैसा माहौल तो आज तक कभी मुझे इनके साथ फील नहीं हुआ। बहुत ही व्यापक सोच के व्यक्ति हैं और महिलाओं का विशेष सम्मान करते हैं। ये मेरे पति हैं इसलिए मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, वैसे भी बहुत ही अच्छी सोच है, महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं। और आप लोगों ने आवाज़ से सुना होगा कि मुझसे ज़्यादा नम्र हैं और मुझसे ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हृदय के व्यक्ति हैं। क्यों? राधा रानी के और कन्हैया जी की कृपा से हमको भी एक कन्हैया जी ऊपर वाले ने दिए हैं, या ये कहें कि इन्हीं का एक स्वरूप हमें भी मिला हुआ है। और फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए ताकि आप तक पहुंच सके मेरे आने वाले न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। सबसे पहले नहीं, आपके पास पहुंचेगी, वो सबसे पहले लगता है पहुंचिए तो आपके पास ज़रूर पहुंचेगी, उससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, आपको सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, उससे ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। तो ये भी आज लगभग लगभग राधा रानी को टक्कर देकर ही तैयार हुए हैं, पूरे 14 मिनट की, पूरे 14 मिनट बाद ये तैयार हुए। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। दिख रहा है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।